हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अंडर द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स दैट हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन वी हैव डन सिंपल चेन, नॉर्मल अल्केन, साइड चेन, मोर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्केन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्केन, द नेम ऑफ द साइक्लिक अल्केन कंपाउंड। ठीक है, चलिए। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव लाइक दिस। ठीक है, साइक्लिक ठीक है थर्ड ठीक है। तो यहां पर ना क्या होता है कि यहां चेन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें चेन छांटनी है क्योंकि यहां तो सर्कल मतलब साइकिल। तो साइकिल में वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से हमें सब्स्टिट्यूएंट अच्छे तरीके से पहले मिलता हो, अच्छे वाला सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलता हो। अब यहां सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है तो ये और सिंपल हो चला है। तो यहां पर कहीं से भी नंबरिंग आप स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये होता सिंपल तो इट विल बी कॉल्ड पेंटेन, बट इट इज अ साइक्लिक तो इट विल बी कॉल्ड साइक्लो। साइक्लो इज अ प्रीफिक्स विच इज एडेड बिफोर द वर्ड रूट इन द इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लो पेंटेन एज इट इज फॉर द सेकेंड साइक्लो हेक्स एन। सिक्स कार्बन साइकिल है, सिक्स मेंबर साइकिल है, इट इज 1, 2, 3 एंड 4। ये फोर मेंबर साइकिल है, इट इज इट विल बी साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। तो ये तो था सिंपल, बट वी हैव वी विल हैव सम मोर ब्रांच साइक्लिक स्ट्रक्चर सच एज दिस वन। ये ठीक है, इसको कैसे करेंगे, चलिए चेक करेंगे, नंबरिंग करेंगे कहीं से भी। अगर मैं कहूं कि 1, 2, 3, 4 यहां से स्टार्ट करूंगा, 1, 2, 3 यहां से स्टार्ट करूंगा, 1, 2, 3 मुझको दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट चेन मिल रही है, इट मींस आई हैव टू राइट द नंबरिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट दिस कार्बन। ठीक है, यहीं से शुरू करना पड़ेगा। क्यों? और यहां अगर मैंने 1 लिखा या मैं इधर लिखूं, कहीं भी दोनों में से कहीं भी लिख सकते हैं, तो जस्ट नेक्स्ट वाला उधर की 2 इधर ना जाएगा कि इधर जाएगा, बिकॉज वी आर गेटिंग 2 साइड चेन्स एट एडजेसेंट कार्बन सीक्वेंसली, फर्स्ट सेकंड आफ्टर दैट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ये हमारा नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है ना कि फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए ये कर लिया, इसमें नंबरिंग कर ली हमने, और नंबरिंग करने के बाद 3 हमारे पास जो है क्या है, साइड चेन है। अभी जो साइड चेन है मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको पूरा करके दिखाऊं यहां पर ये कुछ ऐसे बनेगा। अब देखिए ध्यान से, यहां ये CH3 है, यहां भी ये CH3 है और यहां भी ये CH3 है, और इनकी वैलेंस है CH2 और ये H और ये इस तरीके से इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई। ठीक है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट है, इजी है लिखने में, शॉर्ट है और स्टाइलिश है, इसलिए इसको अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, इस तरीके के ही क्वेश्चन, इसी तरीके से वो क्वेश्चन और एंट्रेंस एग्जाम में ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसको एक साथ लिख देंगे 1, 2, 4 ट्राई मिथाइल, ये तो हुई सब्स्टिट्यूएंट्स की बात। अब लिखेंगे हम वर्ड रूट, और वर्ड रूट से पहले साइकिल की स्ट्रक्चर में साइक्लो लगता है, वर्ड रूट हमारा पेन और लास्ट में 1, 2, 4 ट्राई मिथाइल साइक्लो पेंटेन, सिंपल हो गया है। ठीक है, तो ये है, चलिए और कर लेते कुछ अच्छा सा। अब इंटरेस्ट आएगा आपको नॉमेनक्लेचर के अंदर, देखना ध्यान से,
ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया जैसे वो बनता ना आपका बायोलॉजी में वायरस, इसी टाइप का होता है। चलिए डीएनए, डीएनए बन आरएनए वाला, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसको क्या करते हैं नंबरिंग। अब यहाँ पर नंबरिंग क्या है कि 1 2 3 4 5, यानी कि तीन सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास और तीनों सब्स्टिट्यूएंट आर तीनों जो थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स है दे आर हैविंग सेम डिस्टेंस ईच अदर, आपस में उनकी डिस्टेंस सेम है। तो जब सेम डिस्टेंस है तो ये चेक करना पड़ेगा कि नंबरिंग कौन से वाले से हम स्टार्ट करें, अच्छे वाला कौन सा है। अगर मैं कहूँ इट इज इथाइल CH2CH3, अगर यहाँ से जुड़ा है तो CH2 आएगा, ये CH3 आएगा, इट इज इथाइल। यहाँ मैं करूँ CH CH3 CH3, ये प्रोपाइल है, ठीक है, ये प्रोपाइल है, ये कुछ स्पेशल सा है, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 2 3, किसी भी साइड से मैं जा सकता हूँ 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसका नाम लिखूंगा, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। चलिए और बढ़िया, देखिए अगर मैं ये लिखता हूँ CH3, कल भी मैंने बताया था सर CH2 CH3, इट इज कॉल्ड एन प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसको ऐसे कर दूं, इट इज कॉल्ड प्रोपाइल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से इधर से हटाऊं तब भी वही बात बनेगी, क्योंकि इधर CH3 आ जाएगा, CH2 CH2, ये भी प्रोपाइल ही बनेगा। लेकिन अगर मैं ये काम करो, एक एच मैंने यहां रखा, इसको मिडल से मैंने खींच लिया, इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, इट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल, ये आपके याद होना चाहिए। यहां पर क्या है देखो, जो भी प्रोपाइल है उसमें जो बॉन्ड बन रहा होगा 1 डिग्री कार्बन से बनेगा, और जो आइसोप्रोपाइल है जो बॉन्ड बनेगा वो 2 डिग्री कार्बन से बनेगा। अब ये 1 डिग्री और 2 डिग्री के अनुसार ये देख लीजिए, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब जिस कार्बन से आप बॉन्ड बना रहे हैं वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच होंगे, दो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे, अगला कार्बन कितना से है वो नहीं काउंट करेंगे, बस हमें ये देखना है कि जिस जहां से हमने उसको अल्काइल बनाया है एल्केन से, वहां से वो जो कार्बन है वो केवल एक अगले बार एक कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से तुरंत अटैच ना हो। जबकि 2 डिग्री के अंदर क्या है कि ये जो कार्बन है मेन, ये दो कार्बन से अटैच है, तो जितने कार्बन से मेन कार्बन अटैच है दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बन, सिंपल। डिग्री कार्बन की ज्यादा चार हो सकती है, चार से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि आप इसमें बताइए, भाई ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, लेकिन ये 2 डिग्री है क्योंकि एक दो, एक और दो, तो दो से जुड़ा, ये वाला भी 2 डिग्री है, ये एक दो, तो इस तरीके से डिग्री आपको चेक करनी है। तो सिंपल सी बात है, इट इज आइसोप्रोपाइल और ये है। और ये भी याद रखना है आइसो में जो आई है विल नॉट बी मेजर्ड इन IUPAC, आइसो का आई नहीं होगा एन, आइसो स्ट्रक्चर भी होगी न्यू स्ट्रक्चर भी होगी, तो वहां पर आई और एन विल नॉट बी मेजर्ड इन IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहां पर इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम करेंगे तो फर्स्ट में लिखेंगे, वैसे तो ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो ई पहले आएगा, ठीक है ना। अगर नाम देखने लगे प्रायोरिटी तो लगभग सभी की सेम है, चलो प्रायोरिटी की ऑर्डरिंग लिख लेते हैं, तो 1 आइसोप्रोपाइल, थ्री एंड फाइव डाई इथाइल, इथाइल है दो कार्बन है ये तो यहां से अटैच है, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा प्रायोरिटी देनी है तो इसका नाम ये भी लिख सकते हैं हम, देखो आइसो का आई रिजल्ट नहीं करेंगे, डाई का डी रिजल्ट नहीं करेंगे, तो ई पहले आएगा, पी बाद में आएगा, तो इसको लिखेंगे 3,5-diethyl-1-isopropyl-cyclohexane, ठीक है। लेकिन अगर हम नोमेनक्लेचर को उसके नंबरिंग के अकॉर्डिंग लेकर के चले तो ही ठीक है, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी तो सेम ही, दोनों है तो अल्काइल ही, ठीक है। ABCD लगा सकते हैं लेकिन अलग केस में, मतलब जब बनेगा वो बताऊंगा, ठीक है।
अल्फाबेटिक ऑर्डर भी लगेगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर भी लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका साइक्लिक का कुछ स्ट्रक्चर। इसमें आप और ज्यादा चाहे तो जितनी चाहे बना सकते हैं। चलिए तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं। एल्केन हमने खत्म कर लिया, एल्केन के बाद हम करेंगे एल्कीन। जनरल फॉर्मूला CN H2N, ठीक है। जो साइक्लिक आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे विल नॉट फॉलो दी जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला फॉलो नहीं करेंगे, पहली बात, ठीक है। तो वहां पर ज्यादा मतलब वो करने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा क्यों है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एल्कीन का ही होता है, एल्कीन का एक स्पेशलिटी और है कि आपको कम से कम एक डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? कम से कम एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जरा क्या होना है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक क्वेश्चन जिसके अंदर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, ये मिला। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, ये फाइंड कर लिया हमने। नंबर द चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो मतलब नंबरिंग जब देंगे तो हमको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। अभी तक यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड होता तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, साइड चेन नहीं थी। डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है और साइड चेन नहीं भी है तो डबल बॉन्ड को आप एक ग्रुप मान लोगे, चलिए एक फंक्शनल ग्रुप आप उसको कंसिडर कीजिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करोगे तो इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी दोगे तो 1 2 3 इस तरीके से प्रायोरिटी हो जाएगी, नंबरिंग इस साइड से हो जाएगी। जैसे ही नंबरिंग इस साइड से हुई तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस नाम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइड चेन नहीं है, साइड चेन छोड़ दिया, उसके बाद वर्ड रूट आया, वर्ड रूट है प्रो, ये हमने लिख लिया प्रो, ठीक है। अब यहां पर सफिक्स लगेगा ई, ठीक है। जो इसका सफिक्स होता है वो लगता है ई एन ई इन, सफिक्स होता है इन, तो लगाए प्रोपीन। लेकिन ये जो इन है इसका आपको नंबर भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर डिफाइन जब करेंगे तो ये कौन से नंबर पर आया, फर्स्ट और सेकंड पर है, प्रायोरिटी कौन से नंबर पर आई, 1 नंबर पर है, तो प्रोप 1 इन, ठीक है। या आप इसको लिखो प्रोपीन 1, ठीक है, या आप खाली इसको प्रोपीन भी लिख सकते हैं, ये तीनों नाम हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है, ये तो बिल्कुल मोस्ट डिफाइंड है, मोस्ट डिफाइंड, बिल्कुल रेगुलर, ठीक है। ये है थोड़ा सा स्टाइलिश मॉडिफाइड, इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये है मॉडिफाइड, क्यों, क्योंकि प्रोप 1 इन लिखे या प्रोपीन 1 लिखे तो इन का नंबर 1 आ, कोई दिक्कत नहीं है। और खाली प्रोपीन भी लिखेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग कैसा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्यों आया, अगर आप इसमें डबल बॉन्ड लगाने की चाह रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा इधर की बजाय इधर लगा रहे, इस बार नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3। तो प्रोपेन के अंदर अगर डबल बॉन्ड आता है, प्रोपीन बनता है, तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि प्रोपीन में जो इन है उसका नंबर फर्स्ट ही रहना है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। तो हम क्यों लिखें 2 की पावर 1, हम लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, तो यहां भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये है, तो प्रोपीन सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला बन सकता है आपके लिए आगे आगे, तो इसको अभी से समझ के चलना अंडरस्टैंडिंग क्या होती है इसकी, ठीक है। चलिए ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल छोटा सा यही कर देते हैं, तो आगे आगे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब फिर से नंबरिंग,
नंबरिंग कहां से, 1 2 3 4 थर्ड पे आ रहा है, जैसे जैसे 2 पे आ रहा है तो नंबरिंग 2 वाली करूंगा मैं, प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो साइड चेंज नहीं है पेंट, ठीक है। पेंट के बाद क्या करेंगे, पेंट के बाद इन लगाएंगे और नंबर लिखेंगे उसका पेंट 2 इन या फिर पेंटिंग 2 लिखो, ठीक है। अब इसको खाली पेंटिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर पे आता तो पेंटिंग लिखते, सेकंड को डिफाइन करना ही पड़ेगा, तो इसके केवल मोस्ट डिफाइंड और मॉडिफाइड ही नहीं हो सकते हैं और नहीं होगा, ठीक है। ये अगर आप फॉलो करेंगे, ये सबसे इजी भी है पहले वाला और सबसे सही भी है, मिलेगा ये भी आपको, क्योंकि उसकी तो टेंडेंसी है आपको घुमाने की, क्वेश्चन घुमाने की, और मिलेगा आपको ये भी, आपकी तरफ से ये जाना चाहिए, उसकी तरफ से कोई भी आए आपको सोल्व करके देना, ये है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक डिस्कस कर लेते हैं। CH CH CH3 CH3, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ था, चलिए इसमें कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है, कुछ सही कर लेंगे। ये ठीक है, तो चलिए इसका नाम लिखते हैं जरा, बहुत ही अच्छा कंपाउंड है ये, ठीक है। नंबरिंग साइज एक ही चेन है, नंबरिंग 1 2 3 4, फर्स्ट और थर्ड पर हमारा क्या है, डबल बोर्ड है, इधर से किया 1 2 3 4, फर्स्ट और थर्ड पर डबल बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी नंबरिंग करो, मैं तो नहीं करूंगा ये, भाई मुझे ये पसंद है, आपको जो पसंद है आप कर लेना, ठीक है ना। कई बार माइंड में रहता है सर आपने फॉरवर्ड तो कर दी, रिवर्स वाली कर दी नहीं आप, ठीक है ना। देखो सारी रिवर्स करके दिखा रहा हूँ आपको, ये हो गया। चलिए तो नाम लिखेंगे, इसमें नाम जब लिखेंगे तो साइड चेन तो नहीं है, तो वर्ड रूट आएगा व्यू। अब जो इन है, जो इन है ये दो जगह है, 1 और 3, व्यू 1 3 डाई इन, डाई इन क्यों, क्योंकि इन दो बार है, कौन से नंबर पर है, 1 और 3 नंबर पर, तो व्यू 1 3 डाई इन, ठीक है। ये लिख दिया इसका नाम। चलिए नंबर 4 पे आते हैं, अभी तक हमने ब्रांच इसमें स्टार्ट किया ही नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चन के बाद हम ब्रांच स्टार्ट करेंगे, ये देख लीजिए, ये बड़ा बदल नाम होगा, इसको स्टार लगा लो, ये बहुत ही बढ़िया रूल है, इसको स्टार लगाएंगे कैसे देख लो, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH CH2, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, सबसे पहला 1 2 3 4 5 6, इसको सही लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 6, तो 6 वाला लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, हमको वो छाटना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने ये छाट दिया तो ये चेन लॉन्गेस्ट चेन से कार्बन वाला गलत है, ठीक है, इस बात को समझना, क्यों, क्योंकि अगर साइड चेन में डबल बॉन्ड चला गया उसको डिफाइन करना, कर तो लेंगे हो जाएगा, लेकिन टिपिकल है वो, करके भी वो दिखा दूंगा कैसे, अभी दिखा दूँ, लेकिन IUPAC ये कहती है कि इंक्लूड ऑल द फंक्शनल ग्रुप इन योर कार्बन चेन, कार्बन चेन के अंदर आप फंक्शनल ग्रुप ऐड करो भले ही आपकी चेन छोटी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इंक्लूड ऑल डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें मैं फंक्शनल ग्रुप ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, फंक्शन या अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको इसको करना, डबल बॉन्ड है तो डबल, इंक्लूड ऑल डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन, कार्बन चेन के अंदर आपको ये करना पड़ेगा वरना काम ही चलेगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसमें चूज करेंगे तो डबल बॉन्ड वाले ही, जो जितने भी डबल बॉन्ड है सबको इंक्लूड कीजिए, उनको इंक्लूड करते हुए चेन बनाइए, ये चेन आपकी सही है, ये आपका प्रोफाइल हो गया 3 कार्बन वाले, ये सारी चेन हो गई। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5, पहले और चौथे कार्बन पर मिला है, 1 2 3 4 5, पहले और चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड मिला, अब ये किसके मिल रहा है, 1 2 3 1 2 3, ये भी किधर से भी नंबरिंग करो, यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। चलिए नाम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द IUPAC, तो सबसे पहले साइड चेन, तो 3 के पास क्या है, प्रोफाइल है 3 प्रोफाइल, वर्ड रूट पेंट इन तो आएगा लेकिन उसके नंबर लिखने पड़ेंगे, पेंट 1 4
डाई इन, ठीक है। थर्ड के पास प्रोफाइल है, पैंट इसका वर्ड रूट है, और इन जो है दो जगह है इसलिए डाई लगा है, और दो जगह कौन कौन सी है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, ठीक है। तो ये आपका है। चलिए एक फिफ्थ क्वेश्चन और छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि सारे डबल बॉन्ड अगर हम इंक्लूड कर भी ले तो भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने कहा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी सी एच सी एच टू सी एच सी एच टू बन गया मान लिया कंपाउंड, ये ऐसा है। और यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन और लगा दिया, ये इसकी वैलेंसी हो गई पूरी, दो चार तीन चार तीन चार तीन चार दो चार तीन चार दो, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आप इंक्लूड कीजिए, आप कहीं से भी नंबरिंग करो करो भाई, ठीक है, करिए। कैसे करो, अगर मैं वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, और मैंने ये चूज कर लिया, एक तो चेन चूज कर ली बड़ी, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से गए यहाँ गए और फिर यहाँ चले गए सीरीज में, ठीक है। चेन है टूट भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये साइड चेन में आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट रूल है भाई, इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इसका नाम मैं साइड में, ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, ठीक है। ठीक है जी, तो अब इसका नंबरिंग देख लीजिए, वन पे डबल बॉन्ड, फिर चार पे डबल बॉन्ड और तीन पे, इधर से करेंगे नंबरिंग तीन पे साढ़े छः, इधर से करो वन पे डबल बॉन्ड चार पे डबल बॉन्ड और तीन पे साढ़े छः, किधर से भी नंबरिंग कर लो, चलो सीधी वाली कर लेते हैं इस बार, वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये साइड छः डिफाइन करनी पड़ेगी, साइड छः डिफाइन करने के लिए कल एक रूल बताया था मैंने, एल ये कहा था कि एल्केन से एक एच गायब करोगे तो बनेगा अल्काइन, ठीक है, और अल्कीन से एक एच गायब करोगे क्या बनेगा, अल्कीनाइन, ठीक है। ये मैंने लिखवाया था, इसका फॉर्मूला लिखवाया था, आज फॉर्मूला भी लिखवाता हूं। मैंने कहा इथीन है मेरे पास सी एच टू सी एच टू, इससे मैंने एक एच गायब कर दिया, ठीक है, जिसका बॉन्ड ये रहा इस वाले कार्बन का, एक एच गायब है बचा ये सी एच, फिर आया इसका डबल बॉन्ड और सी एच टू, तो देखो क्या सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और ये बॉन्ड जो खाली है वो थर्ड कार्बन से अटैच है, क्या ये स्ट्रक्चर नहीं है, सेम स्ट्रक्चर नहीं है क्या, वही है ना। तो यहां ये था इथीन अल्कीन, तो यहां बनेगा इथीनाइल अल्कीनाइल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिसपे भी स्टार लगवा लगेगा वो अपने आप एक नया रूल है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखें। चलिए नाम लिखते हैं, सबसे पहले थर्ड पे इथिनाइल, थ्री इथिनाइल पेन वर्डा गया, अब इन लगेगा, अब इन दो बार है, एक इन तो हमने इथिनाइल में हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, एक ये है, अब इसमें कैसे डिफाइन करोगे बेटा, तो इसमें डिफाइन करने के लिए थ्री इथिनाइल पेन वन फोर, कौन कौन से नंबर पर है, फर्स्ट और फोर्थ, वन फोर डाई और ई लगा, ये इसका फुल प्रूफ नेम है बढ़िया वाला इस कंपाउंड, ठीक है, ये इस कंपाउंड का नेम है डबल बॉन्ड, ठीक है। ये चलिए ब्रांचिंग, ब्रांचिंग सिंपल वाले तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना, ये चल रहा है, आया सर, चलिए बहुत बढ़िया, ये रहा आपका अल्कीन। अब कुछ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद कुछ एक नया चीज करा रहा था मुझे, मेरे ध्यान आ रहा है कुछ, चलिए इसकी जोड़ ले लिया आपने, बहुत बढ़िया।
चलिए पांच क्वेश्चन हो चुके, छठा क्वेश्चन छोटा सा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन को सिंपल ले लेते हैं, फाइनल क्वेश्चन कोई भी चीज चूज कर लो, डबल बोर्ड इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जाओ तब ये करूँ तब ये करूँगा, ठीक है। नंबरिंग 1 2 2 पे, इधर से 1 2 2 पे। तो भाई यहाँ पर जो आपको नंबर वो देनी है ना प्रायोरिटी, डबल बोर्ड को देनी है या थर्ड चीज को देनी है, प्रायोरिटी जो आएगी एल्कीन को आएगी, अल्काइल को आएगी। साइड चेन की तो कोई प्रायोरिटी वाला ऐसा सिस्टम है नहीं, ठीक है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको लिखवाना पड़ेगा मुझे, चलिए इसमें आप साइड चेन की प्रायोरिटी खत्म करें, ठीक है। साइड चेन की प्रायोरिटी आप खत्म करें, डबल बोर्ड को 1 2 3 4 5, क्योंकि चेन है वो फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप को ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। ये फंक्शन ग्रुप नहीं है, साइड चेन होती है, ठीक है। चलिए तो बस 4-4-dimethyl, ऐसा नहीं होगा 4-dimethyl, नंबर तो नंबर को चाहे जितने वो लिखने पड़ेंगे, डाई ट्राई चल जाएगा, ठीक है। 4-4-dimethyl पेंट पता लग ही गया है, साइकिल की स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। साइकिल की स्ट्रक्चर स्टार्ट करें, शुरू करते हैं, बताओ, ठीक है। सेवन हो गया, एट हो गया, नाइन हो गया, टेन हो गया, इलेवन हो गया, ठीक है। इन सब के नाम लिखते हैं, चलिए। तो इसका नाम क्या आएगा, हमें पता था साइक्लोपेंटेन है ये, ठीक है। तो नंबरिंग डबल बोर्ड से करनी पड़ेगी और फॉरवर्ड चलना पड़ेगा, तो नंबरिंग किया, साइड चेन नहीं है, पेंट लिखना है तो उससे पहले साइक्लो लगेगा, साइक्लो पेंट कौन से नंबर पर है, 1 पर इन, साइक्लो पेंट ही 1 पेंट 1 इन या फिर साइक्लो पेंटीन 1 या फिर साइक्लो पेंटीन, क्योंकि 2 की पावर 1 नहीं लिखते, ये मोस्ट डिफाइन है, ये थोड़ा सा मुझे पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबरिंग करेंगे, किसी भी डबल बोर्ड से स्टार्ट कीजिए, 1 इधर भी जाएंगे, डबल बोर्ड की साइड चलना पड़ेगा ये, ठीक है। डबल बोर्ड जिस, अब यहाँ से आप यहाँ तक करो क्या फायदा, डबल बोर्ड तो काउंट नहीं हुआ, 1 और 2 के बीच में आया नहीं, 1 और 2 के बीच में आना चाहिए ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया, अब इसमें करो साइक्लो ब्यूट 1 3 इसका एक ही मोस्ट डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन पे आ जाओ, अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप एल्कीन में भी ऐड करना, उसका भी एक क्वेश्चन कभी करा देंगे और एल्कीन में भी ऐड करना, सभी जगह ऐड होगा ये जो 9 क्वेश्चन है, क्यों है इसमें ये क्या है कि चूज द चेन इन साइकिल या तो साइकिल में और साइड चेन या साइड चेन में, कहां वेयर नंबर ऑफ कार्बन आर मैक्सिमम, ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हो।
अब इस साइकिल में तो मैं करूं 1 2 3 तीन ही कार्बन है, यहां मैं चेक करूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन। तो या अगर साइकिल और चेन दोनों एक साथ आ रहे हैं तो दोनों में से वो वहां पर नंबरिंग करनी है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। अब चेन में ज्यादा है तो मैंने चेन कर लिया, साइकिल में ज्यादा होंगे तो मैं साइकिल करूंगा। अब तक किया है, ठीक है कर लेते हैं। तो फर्स्ट कार्बन पर हमारा क्या लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ हमारा साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है। प्रोपेन तो तब होता है, ये अब प्रोपेन है लेकिन इसका एक एच हटा दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया तो ये साइक्लो प्रोपाइल होगा। इसको और अच्छे तरीके से मैं लिख दूंगा, कैसे लिखूंगा देखो, अब समझ गए होंगे आप, अब आया ना, ठीक है। तो फर्स्ट पर क्या है, साइक्लो प्रोपाइल है लिखो, और ये है तो पहले तो साइड चेन चेक करेंगे, 1 पे साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है पेंट 4 ई, 1 साइक्लो प्रोपाइल पेंट 4 ई, पेंटेन होता या पेंटीन होता, 1 साइक्लो डेट पे आते नंबरिंग कर लें, नंबरिंग करो स्टार्ट 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्स एन होता। अब इन है, इन का नंबर 1 ई, या फिर साइक्लोहेक्स इन 1, या फिर साइक्लोहेक्सीन जस्ट, क्योंकि 2 की पावर 1 लिखते नहीं है। और अगर साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक डबल बॉन्ड आ जाए तो आप केवल इसे, एक ही तो इन है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होनी है अपनी और कहीं जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड तो नहीं वैसे करता, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो यहाँ से करूंगा 1 2 3 4 में मिलेगा, इधर मैं करूंगा 1 2 3 4 5 में मिलेगा साइड चेक, ठीक है। किधर से भी कर लो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। चलिए नंबरिंग लिखते हैं इसको, नंबरिंग का नाम लिखते हैं इसको 4 5 डाइमिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है ये, अंडरस्टूड है आपको, 4 5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ई, या साइक्लोहेक्सीन 1, या साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि ये ईन को डिफाइन करने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक है। तो ये नाम, यही नाम लिखा हूँ डिफाइन, ठीक है। तो ये साइक्लो वाले कंपाउंड भी हो जाएंगे। कल आज कल हम स्टार्ट करेंगे अल्काइन और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स, लंबा चलेगा अगर ये इसी तरह चलता रहा तो, ठीक है। मंडे से ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 क्लास भेजूँ, क्योंकि नॉमन क्लेचर अगर इसी तरह चला तो फिर तो बहुत टाइम खा जाएगा हमारा, और करना जरूरी है, उसके बिना काम ही चलेगा, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।